सुन गिर जा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इद मिथम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अर्थ अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहहि स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुमुख सुनावहु तोहि, समुझि परै जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरही कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारिथा पै सुरन राखई ने श्रुति सेतु, जग विस्तारे विसद जस राम जन्म कर हेतु। सियावर राम चंद्र पद जय शरणम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। जय सिया राम।